अस्सलामुअलैकुम महेशा, और आपकी नवाजिश का बहुत शुक्रिया और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और मैं जाहिर सी बात है कराची में हूँ, आपको पता है, लेकिन साथ ही साथ कराची में जब आए और साड़ियाँ ना देखी कैसे पसंद है, और मुझे तो साड़ियों का क्रेज़ है, आपको पता है। ऑलरेडी आज हम साड़ी हंट पर जा रहे हैं, हम मेरे साथ चलिए और देखेंगे क्या होता है। ओके, सो मेरी कराची की सब बड़ी यादें थोड़ी सी, और ये कहानी आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि रास्ता लंबा है और बातें बहुत हैं करने वाली कराची के। लास्ट से मैं 2 साल की थी जब मैं कराची आई थी अपने वालिद साहब से पहली बार मिलने के बाद, उनकी मतलब ही वॉज वर्किंग ईयर, और हम आए थे। लेकिन मेरी कराची के साथ अल्लाह खैर लम्हा जो भी मुश्किल में उसे उसकी मुश्किल दूर करे, आने को सुना। खैर तो 2 साल की थी तो वालिद साहब यहाँ थे, एंड मतलब अम्मी और उनकी अलहदगी के बाद और इवन मेरी पैदाइश के बाद, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम हम कहीं जा रहे थे, मैं वो और अम्मा। तो हम आए यहाँ और हम रहे यहाँ, तो मैं 6 महीने रही हूँ कराची बचपन में, और मुझे मतलब आई हैड फॉन्ड मेमोरीज ऑफ इट। 2-2.5 साल का बच्चा क्या ही होता है जो याद रखे, लेकिन मुझे काफ़ी चीज़ें याद हैं। स्टेट लाइफ की बिल्डिंग याद है, उसके इर्द गिर्द फ्लैट्स थे, वो अम्मा याद हैं जो मुझे स्कूल से वापसी पे खाना दिया करती थी, मतलब कोई ना कोई टॉफ़ी या कोई इम्पोर्टेंट चॉकलेट उन्होंने मेरे लिए रखी होती थी। मैं बीकन हाउस में मुझे अम्मा ने एडमिट कराया था, और एक सी फेसिंग पार्क था जहाँ पे रात को हम जाया करते थे फॉर वो रात को झूले वूले लेने के लिए बच्चों के, क्योंकि मैं बहुत लाडली थी नानी अम्मा की, खाला उनकी और माँ की। तो मैं तो रोज़ आपको बताया पहले रात को सुलाने के लिए मुझे गाड़ी निकलती थी और पूरी नहर का चक्कर लाहौर का लगाते थे और हम सो जाते थे। तो उसके बाद हम यहाँ गए, यहाँ पे ना तो वो गाड़ियाँ थी ना वो लाड थे, यहाँ पे काम इंसान थे और एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। खैर है, रोते धोते एडजस्ट किया, जैसे भी था वो तो करना ही था। तो खैर बात मुख्तसर किस्सा ये है कि 6 महीने के बाद ईद आ गई थी और अब्बा ने कहा कि आप लोग, अब्बा मतलब वाले साहब ने कहा कि आप लोग लाहौर जाएँ और हम मैं आ जाऊँगा और आई लव कराची टू, यस। और मैंने कहा कि मैं बहुत छोटी थी एंड ज़िद्दी भी थी जाहिर सी बात है, लेकिन मैंने कहा कि अब हम अलग होंगे, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। वाली बात पूरी हुई, मैंने कहा कि हम अब आप हमें कभी नहीं मिलेंगे, अब हम कभी साथ नहीं होंगे, हम कभी इकट्ठे नहीं होंगे। मुझे आज भी याद है, सुबह थी एक बहुत ही मतलब गमगीन सुबह होती है ना, जो बाज़ औक़ात जिनका सूरज ही आपको बता रहा होता है कि आज, और मेरी ज़िंदगी में तो ये हमेशा होता है कि जब भी मेरे साथ कुछ होना होता है वो सूरज इंतहाई गमगीन होता है, बहुत ही गमगीन, यानी उसकी अजीब दूधिया सी एक रोशनी होती है जिसको जो है आप डिसाइफर कर सकते हैं कि हाँ ये आज कोई दुख भरी दास्तान होने वाली है। सो वो एक बड़ी गमगीन सी सुबह थी, सफ़ेद रंग की रोशनी आ रही थी, वो अपनी शेव बना रहे थे और मैं रो रही थी। खिलौनों से भरी एक पूरी कबर्ड थी जिसके अंदर बेतहाशा खिलौने पड़े थे, और मैं उनके पास खड़ी रो रही थी और मैं कह रही थी कि नहीं अब हम जाएंगे, अब हम अलग हो जाएंगे, हम कभी नहीं मिलेंगे, आप अब मुझे छोड़ देंगे। एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एंड हम ट्रेन पे बैठ कर वापस आए और मैं पूरा रास्ता नहीं सोई। एक दिन उस ज़माने की ट्रेन, 1-1.5 दिन का वाकया था, अब भी ऐसे ही होगा यकीनन, लेकिन उस मतलब वो एक, और हम आए भी, उन्होंने हमें वो जो स्लीपर होती है ना बग़ैर एसी के, उसमें भेज दिया। पूरी रात नहीं सोई, रोई पूरी रात, रोई रोती रही रोती रही रोती रही। वापस आए, वापस आके हम आई थिंक उधर ही थे दादी अम्मा के घर में, तो पता चला कि हमें अब जाना है नानी के घर क्योंकि वहाँ पे शादी है। और मुझे याद है मैं और अम्मी रिक्शे में बैठे हुए थे घर आने के लिए। हमारा घर था कोई 80-90 कनाल के ऊपर, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, हमारा घर था कोई 80-90 कनाल के ऊपर, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। तो हम उसमें दाखिल हो रहे थे कब, ड्योढ़ी में, बड़ी सी लंबी सी वो थी, ड्योढ़ी कह रही हूँ, बहुत सी लंबी सी वो जो होती नहीं है पाथवे जिसके अंदर से गुजर के फिर आगे जाके घर आते हैं, तो वो था। तो वो करके जब हम बिल्कुल टर्न कर रहे थे उतर के रिक्शे से, तो अम्मी ने कहा कि अब हम कभी, हम हमेशा के लिए आ गए हैं अंगूरी बाग और अब हम कभी नहीं वापस जाएंगे। और वो दिन था, और उसके बाद आज दिन तक
अब तो खैर वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन मैंने अपनी वालदा से कभी अपने वालिद के बारे में नहीं पूछा एज अ चाइल्ड. मेरी सॉब स्टोरी ख़त्म हो गई और रास्ता भी ख़त्म हो गया. वी हैव अराइव्ड. एंड एक चीज़ मैं कहूँगी कि वो मर्द जो दूसरी शादी करते हैं, जब औरत को छोड़ते हैं वो उसकी औलाद को भी छोड़ देते हैं. औलाद तो आपकी होती है तो आप छोड़ क्यों देते हैं? और अगर आपने यही करना हो तो फिर आप दूसरी शादी क्यों करते हैं? तो वो एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग है बोल फिल्म का कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, जब मोहब्बत नहीं कर सकते औलाद से तो फिर पैदा क्यों करते हो. तो ये बहुत सेंटी हो गया सब कुछ. रुको 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 रुको, अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो मूड को थोड़ा ईजी करने की ज़रूरत है. लेट्स गो फॉर शॉपिंग. जैनम मार्केट के करीब हैं और मुझे ढूंढनी है साड़ी, और साड़ी मुझे ढूंढते हम आ गया दादा. वहाँ पे काफ़ी काम वाली दुकानें हैं पर साड़ी की दुकान यहाँ शायद उतनी और वैसी नहीं. लेट्स सी, पीछे अजरक की दुकान है और ढेर सारी चीज़ें हैं, एंड इस तरफ भी बहुत सारी अजरक पड़ी हुई है. चेक करें. और हमारे सिंधी भाइयों का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो भी पड़ा. जी हम आए हैं साड़ी ढूंढने के लिए और तलाश करते हैं अपनी साड़ी. एंड क्रेजी बात से आए साड़ी जी नो दैट. लेट्स सी. 15 मिनट्स लेटर ये दुकान की साड़ियाँ मिलती हैं. लेट्स सी. ये तो बनारसी साड़ी है, मुझे तो सूती साड़ी चाहिए. हाँ सतनी मिली. लेट्स ट्राई समवेयर एल्स. पहुँच गए ढाका साड़ी. ये देखें जी शॉपिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ. आप लोगों को पता है कि मैं साड़ियों की क्रेज़ी हूँ जी. अच्छा, इतनी कॉटन की एक साड़ी खरीदने की है एंड आई एंडेड अप बाइंग 15. वाओ. जा रहे हैं नहीं आगे से ये जा रहे हैं नीचे. दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन आई कम टू कराची. और जब मैं ये लेने हाँ हाँ मेरा है तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स. ये होता है जब मैं आती हूँ कोई शॉपिंग करने के लिए. मुसीबत. फाइनली आई गॉट व्हाट आई केम फॉर. लुक एट दिस. रश बहुत ज़्यादा है और मुझे शूट पे भी पहुँचना है. आई डोंट नो कि हम जल्दी पहुँच पाएंगे या नहीं. लेट्स सी. इतना रश है यहाँ पर, कैसे पहुँचूँगी? मेरे पुट्ठे पुट्ठे पड़ेंगे. कराची इज अ शॉपिंग स्पॉट. पता नहीं लोग दुबई क्यों जाते हैं. आई डोंट नो, मैं दुबई शॉपिंग की है बट बहुत एक्सपेंसिव होती है. हाँ लेकिन एक चीज़ है, वहाँ सेल्स लगती हैं तो मतलब बहुत अच्छा सीन हो जाता है. यहाँ पर ये है कि इफ़ यू नो द प्लेसेस, अगर आपको जगह तो बताओ कि कहाँ जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, देन इट्स लाइक अ हेवन वे. आपको ज़रा सा कपना पड़ता है क्योंकि बड़ा बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे अपने बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े. और फिर आप जब हर तरह के लोगों से मिलते हैं, मनमुट जैसे इंसान को तो ऐसे लोगों से मिलने का बहुत शौक है. मैंने उनकी कहानियाँ सुनने का, उनसे मतलब पूछने का, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी उसके बारे में. इफ़ यू आर एडमायरिंग माई रिंग, येस दिस इज़ कॉल्ड द लक रिंग और मैंने उसको रिसेंटली परचेज़ किया है. मैंने एक दो लोगों के पहने देखी थी बट मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे मिलेगी, लोगों ने स्पेशली बनवाई होगी, लेकिन आई वॉज लकी टू हैव फाउंड इट इन कराची. अगेन इट्स इन कराची. और अभी हम इस वक्त ज़ैनब मार्केट से गुजर रहे हैं. लेट मी शो कि बच्चों का बहुत ही, अगर आपने बहुत अच्छी शॉपिंग करनी हो बच्चों को तो यहाँ से किसी ज़माने में बहुत अच्छी शॉपिंग की जाती थी. लेकिन ये भी कहा जाता है कि यहाँ बंदा अगर घूम जाए तो फिर पूरा दिन भी घूम सकता है. तो बस इतना टाइम नहीं है भाई, मुझे जल्दी करना है. शुक्र है कोई रश खत्म हुआ है तो हम चल पड़े हैं. एंड आई एम ग्लैड दैट इट्स हैपनिंग. गाड़ी वेस्ट नहीं है. ये देखिए ब्यूटीफुल.